8 साल मेरे ब्याह हो चुके हैं, उस तो बाद लड़ाई झगड़ा है कि तू कुड़ियां जम्मी जा रही है, सानू पुत्र नहीं दिंदी हैगी, तेरे ना इस तरह ही होएगा, जे तू रहना ते रह, नहीं रहना ते ना रह। ते मेरियां कुड़ियां ने वेखो सर, जे कुड़ियां ने ते इहदियां ने, मैं कोई अपने पेके करो पिछों तो लैके नहीं आई हैगी, जे इन्हें पैदा की सलाह के नाल ही मैं पैदा की। अठ साल मेरे ब्याह हो चुके हैं, मेरा ब्याह पिंड चौड़े दे हरविंदर सिंह ने होया, जिहड़ा कि मेरा घर वाला BSF दे विच ने, BSF दे विच इस टाइम तिरपुरा दे विच नौकरी कर रहे ने, जिहदे विच मेरी दो बेटियां ने, है बेटी मेरी जसप्रीत कौर 7 साल दी है, एक बेटी मेरी जैसमीन कौर जिहड़ी कि 5 मंथ दी है, 5 मंथ दे विच ही कोई भी मेरा खर्चा नहीं दिता गया, मैनू 7 साल तो ही मैनू कोई खर्चा नहीं दिता जा रहा है, जो कहिंदे ने अधिकार थाने दे विच मंगदे ने कह के जांदे ने, मैं उस मुताबक दे नाल ही मैं उन्हां दे काम धंधा करदी हाँ, जे कहिंदे ने कि सस सहुरे दे नाल आ, मैं नाल ही रखिया अज तक, सस सहुरे दे नाल मैं रोटी पानी दिंदी हाँ, चाह पानी दिंदी हाँ, सारा कुछ करदी हाँ, सिर्फ मैनू कहिंदे कि तू रोटी साडे घर चो खानी है, होर तेनू कुछ नहीं दिता जाएगा। उस तो बाद लड़ाई झगड़ा यह है कि तू कुड़ियां जम्मी जा रही है, सानू पुत्र नहीं दिंदी हैगी, तेरे ना इस तरह ही होएगा, जे तू रहना ते रह, नहीं रहना ते ना रह। ते मेरियां कुड़ियां ने वेखो सर, जे कुड़ियां ने ते इहदियां ने, मैं कोई अपने पेके करो पिछों तो लैके नहीं आई हैगी, जे इन्हें पैदा कीतियां इहदी सलाह दे नाल ही मैं पैदा कीतियां। थाने दे धरना लाउण दी नौबत क्यों तुहाडी आई? सर थाने दे धरना लाउण दी नौबत आई, थाने दे विच मेरे घर वाले ने कंप्लेंट कीती गई सी कि मेरी घर वाली जिहड़ी आ सोना लै के मेरे घरों चले गई है, सोना लै के घरों चली गई है। मैं थाने दे विच, थाने इंचार्ज ने मेरे पापा नूं फोन कीता कि मतलब कि तुहाडी बेटी जिहड़ी सोना लै के गई है, अपनी कुड़ी नूं इत्थे मेरे पेश कराओ। उदे तुरंत ही मैं अपने पापा नूं कहा कि डैडी ठीक है जी, मैं सोना लैके आई हाँ, तो मैं पुलिस दे विच पेश हुंनी आ। मैं इन्हां नूं आण के कहा कि सर हाँ जी दसो, पहलां तां जिहड़ी दरखास्त दित्ती गई है मैनूं उह दिखाओ कि 57 का तेरे ते परचा दर्ज किया जाएगा। मैं कहा सर मैं दोनों बेटियां अपनियां लैके मैं गेट दे विच बैठण लई तैयार हाँ, तुसीं 57 का परचा दर्ज मेरे ते कर दो, मैं जेल जाणी तैयार हाँ। जी मैं 10 साल तो धक्के खांदी आ रही हाँ, मैं हूँ भी जेल से जाके भी धक्के खा लाँगी, मेरिया बेटियां मैं जे मैंने पहला नहीं कुछ इंसाफ मिलिया, मैंने हूँ भी इंसाफ नहीं मिलिया, तो तुम 57 का परचा मेरे ते दर्ज करो तो मैं जेल जाने तैयार हाँ जी जी। उस तो बाद जो इन्होंने कहा, फिर मेरे हसबैंड बुलाया गया, इन्होंने खुद बुलाया, मैं नहीं कहा, मैं क्या मेरे ना कोई नहीं दी 57 कहती है तो मेरे ते कर दो, करने के उपरंत मैंने दबके मारे गए तो मैं धरना जारी कर दिता। इन्होंने मैंने कहा नहीं, जदों दी मैं आई दो मेरिया बेटियां ना कोई पानी पूछा गया, ना कोई चाह पूछी गई, ना मेरे बच्चे छोटे नु कुछ नहीं। तुहाडी मांग की है? मेरी मांग है कि मैनू इंसाफ दिता जाए, जिहड़ा मैं 10 साल तो इंसाफ जा रही हूँ, पुलिस मेरा कोई इंसाफ नहीं करती हैगी, झूठियां दरखास्तां नाल लैंदी, जो मैं सच का सामना पेश करदी हाँ तो सच के सामने तो यह मैंने दबके मार दी नहीं। सर ये 10 साल तो परेशान हो रही है, कोई पुलिस ने सुनवाई नहीं की थी, कितने भी मैं जावा कितने सुनवाई नहीं हो रही। सर मैं की माड़ा कुछ कर दिता, मैं अपनी बच्ची ब्याह हरिंदर सिंह ने कोर्ट केस ला दिता, पता नहीं सर लोगों की चुकना, मैं जान के मेरी बेटी प्रैगनेंट सी जो तो उन्हें कोर्ट केस लाया सी, तो सर मैं हाथ भी जोड़े ही भी मेरी बच्ची है, मैं हूँ तेरी बेटी पालन दी, मेरी प्रैगनेंट भी जी ना तक दे सर बेटियां हो दी तो करके दरखास्तां आन दी, दो भी दो बेटियां हो गई तंग परेशान करता, मैं नहीं रखनी हैगी। सर मैं आर्मी से कार्रवाई कर दी, मेरी बेटी हक जो मेरी बेटी का बनता दवाया जाए, जो इन्होंने बच्चे का हक उन्होंने दवाया जाए। साढ़े को हरविंदर सिंह पुत्र भीर सिंह मजहबी सिख वासी चौड़े, इन्हें दरखास्त दी सी भी मेरी पत्नी संदीप कौर जी करीब महीना डेढ़ महीना पहला साढ़े मेरे घर तो आ गई, तो मेरा जो घरों सोना भी साढ़ा मेरा लैके आ गई। इस संबंध में इन्होंने दोवह पार्टियां अं टाइम दिता से चौंकी का, तो जी अजय लेडीज आई आ संदीप कौर, इन्हें आने के बाहर अपने पति के खिलाफ जरा धरना लाता, मेरा पति जरा मैं तंग परेशान करता। सर एक और कहा गया वा कि दो धियां घर
ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਭੋਜੀ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਊਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਊਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਊਗੀ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਰ